अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते तो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, लोकल होस्ट कोलन 3000 पे। तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स में जैसे आपके सामने होता है होम अबाउट कंटेंट, कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो इन चीज़ों को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक थर्ड पार्टी पैकेज डाउनलोड करना होगा। मतलब रिएक्ट का ही है, रिएक्ट ही दे रहा उसको, ये नहीं कि किसी और डेवलपर ने बनाया, बट वो थर्ड पार्टी इसलिए कि हम उसको बाहर से लेके आएंगे, जो आपने डाउनलोड किया हुआ रिएक्ट उसके अंदर नहीं मिलता। उसके लिए क्या करना है आपको, सीएमडी ओपन कर लेता हूँ उसके। हाँ npm install react hyphen router hyphen door, अपने प्रोजेक्ट की सीएमडी ओपन करके करना ही चीज। जब तक वो सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ तब तक मैं नहीं करूँगा। एक बार इसको डिस्प्ले करने दो, क्योंकि पैरेलली दो प्रोसेस चलाओगे स्लो हो जाएगा सिस्टम। देखते हैं कब तक ठीक करते हैं इसको, फिर हम अपने राउट्स बनाएंगे। हो जाए स्टार्ट, चलो जब तक तो कर ही लेता हूँ, एंटर कर दूँ। और ये इसकी ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल साइट भी दिखा देता हूँ जहाँ से पैकेज आता है, रिएक्ट राउटर डॉट, रिएक्ट राउटर डॉट कॉम, इसको ओपन कर लेना। ये भी यही चीज़ बोलेगा, हाँ जी देखो अब हम वेब कर रहे तो वेब आ गया, और ये क्या बोल रहा, देखो यही चीज़ हमने किया, बस मैंने आई लिख दिया, इंस्टॉल और आई एक ही बात है, ये हो गया। तो चलो आगे देखते हैं, उसका वेट करते जब तक नहीं उसका। हो जाए यार, तेरे क्या आग लग गई। अच्छा एक मिनट यार, इसको मैं टर्मिनेट करो, दोबारा कर रहा हूँ, शायद वो पैरेलल वाली प्रॉब्लम आ रही है, वो चल रही है। अरे अरे तू कुछ डाउनलोड कर रहा है क्या, डाउनलोड कर रहा है ना, कुछ कुछ डाउनलोड कर रहा है, तो नेट कैसे बंद हो गया। अच्छा
जा रहा है, मेरे को दिक्कत आ रही है, आवाज आ रही है ना? यस ठीक है। अरे पैकेज डाउनलोड होने में पता नहीं क्यों टाइम लगाता है, हमेशा लगाता है ये मेरे सुनने। एप्ट्रॉन का वाईफाई सर वो ऑप्शन वो वेरीफाई करते हुआ या नहीं हुआ। पैकेट डॉट जैसे में चले जाओ, अगर वहां पे आ रहा है तो समझ लो हो गया। ठीक है, उतरेगा अब साइड में, सेंडिंग का पैकेज रखता है। अब यार देखो, हमारा एंट्री पॉइंट कंपोनेंट होता है हमेशा ऐप डॉट जेएस। तो चलो जी, मैं ऐप डॉट जेएस पे आ गया। अब यहाँ से करना है मेरे को खेल सारा स्टार्ट, तो उस चीज के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले कुछ चीजें इंपोर्ट करूंगा। इम्पोर्ट, फाइल का नेम है आपका रिएक्ट राउटर डॉम। यहाँ से चीजें निकलेंगी। अब सबसे पहले आपको लेना ब्राउजर राउटर, इसके अंदर मिलता है। दूसरा लेना है आपको स्विच, तीसरा लेना राउट। तीन चीजें लेनी है अभी के लिए, देखते कैसे स्टार्ट करें। अब देखो यार, सबका पेरेंट ये ब्राउजर राउटर बना दो, ब्राउजर राउटर सिमिलरली इसको क्लोज भी कर दो। अब इसके अंदर लो स्विच, डायरेक्टली भी आप अपने राउट बना सकते हो। अब यहाँ पे लिख दे, चलो राउट डायरेक्टली बनाते हैं और स्विच देखते हैं। राउट, और यहाँ पे आता है आप इसको क्लोज करो पाथ। तो पाथ में आप क्या पाथ बनाना चाहते हो? मैं बनाना चाहता हूँ ब्लैंक। अब इस पे कौन सा कंपोनेंट लोड हो? मैंने बोल दिया होम, ये होम कंपोनेंट लोड है। अब इसका मतलब क्या, जो ये मैंने लिखा है अभी सब देखते हैं। इसका मतलब ये है ब्लैंक, ये वाला। तो इस पे कौन सा कंपोनेंट लोड हो? सिमिलरली मेरे को क्या करना है, सही अबाउट बनाना है, और अबाउट का कौन सा कंपोनेंट लोड हो? अबाउट वाला। सिमिलरली मेरे को कॉन्टेक्ट बनाना है, इसके ऊपर कौन सा कंपोनेंट लोड हो? कॉन्टेक्ट वाला। ये प्रोसेस रहेगी कुछ। तो चलो मेरा पहला बन गया, ऐसे सिमिलरली दूसरा कर दो, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से करता हूँ मैं। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और इसके अंदर कर दिया अबाउट। अबाउट में अब इसको ऐसे कर देते राउट, और इसके बीच में अपना कंपोनेंट लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब अबाउट में कौन सा कंपोनेंट लोड करना चाहता हूँ मैं? अबाउट वाला, ये वाला। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो कुछ ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। ऊपर नीचे कोई भी बना दो, ऐसा कुछ नहीं कि पहले अबाउट बनाया फिर ये बनाया, वो कुछ नहीं। ऐसे ही मैंने क्या किया, ले लिया कॉन्टेक्ट में, यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा लिख दिया? कॉन्टेक्ट वाला, देखता था ना, नहीं था? और यार कॉन्टेक्ट नहीं बनाया अभी तक, मैंने फॉर्म ले लेते। चलो कॉन्टेक्ट पे फॉर्म लोड होता है, चलो देखते कुछ नया हुआ या नहीं हुआ। कंसोल ओपन करते, देखो यार फॉर्म के अंदर मैंने कुछ तो लिखा हुआ था, वो भी नहीं आया अभी तक। चेक कर लेते पहले होम के अंदर है क्या। देखो काफी सारा डाटा एपीआई फैच करवा रखी है, तो ये भी नहीं आ रहा मेरे पास। तो इसका मतलब हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? हाँ सॉरी, ऐप के अंदर फिर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दो, स्लैश लगा दो। चलो देखते स्लैश से बात बन जाएगा तो हर जगह अपने पाथ में। अब चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर दे यार, फिर भी नहीं है मेरे पास तो कुछ भी।
ट्विंस, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जैक्ट लगा दिया, एग्जैक्ट। और ये कुछ ऐसे होता है कि ट्रू कर दो, बट आप डायरेक्टली लिख दो तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही रहते हैं। अब से मत लिखो, एग्जैक्ट कर दिया। अब टेस्ट आउट करते हैं। ये क्या बात है, उसके अंदर कुछ प्रिंट भी करवा रखा है, नहीं करवा रखा। एक मिनट यार, पता नहीं क्यों नहीं आई थी अपनी। देखो मेरे पास आई थी अभी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अबाउट करूँ, अब अबाउट की चीजें दिखनी चाहिए। देखते हैं, देखो अबाउट के अंदर काउंटर बनाया था मैंने, काउंट करने वाला। टेस्ट आउट कर लेते हैं, अबाउट के अंदर यही होना चाहिए। नहीं, ये देख लो अबाउट के अंदर काउंटर है। सिमिलरली फॉर्म कॉन्टेक्ट करके देखते, कॉन्टेक्ट पे फॉर्म लोड होगा। फॉर्म के अंदर लास्ट टाइम लास्ट क्लास में हमने काम किया था, ये देख लो। देखो फिर भी एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं। ये देखो एक इनपुट है, एक बटन है, और वो ईएम प्रिंट करवा रखा है। जो भी आप भेजोगे वो सेट के थ्रू करवा रखा है। तो इट मीन्स मेरी राउटिंग यहाँ पे तो ठीक ठाक है, मतलब मेरे काम कर रहे राउट सारे। अब पहले तो समझो इस चीज को, क्या क्या लिखा मैंने। सबसे पहले आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। स्लैश का मतलब आपका होता है ब्लैंक पाथ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट, स्लैश कॉन्टेक्ट, स्लैश लगा हुआ चीज क्या थे, और उसके ऊपर कौन सा कंपोनेंट लोड करना चाहते हो कर दो। अब ये चीजें आ कहाँ से रही है, यहाँ से रिएक्ट राउटर डोम से, इनको भी उठाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं यार, देखो इसको एलाइस दे देते हैं, वैसे ही दे देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाए। एज राउटर दे देते हैं, राउटर, और हम यहाँ पे अपना एलाइस यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक छोटा लिखना पड़े हमें, कुछ ज्यादा ना लिखना पड़े। पेंडिंग में भी ऐसे ही कर दो राउटर, तो भी उसका मतलब भी सेम है। ये हो गया, पहले तो कॉन्टेक्ट लोड होगा या नहीं होगा। हाँ जी लोड है मेरा कॉन्टेक्ट। देखो अब बतिया स्विच, फिर देखो स्विच करना यूज करना कंपलसरी तो नहीं है, बट हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे राउट बनाए ना, राउट, ये राउट है हमारे, ये मेन राउटर है जिसके अंदर लोड हो रहे सब चीजें, इनको स्विच के अंदर रखते हैं। कंपलसरी नहीं है बट रखते हैं, ऑप्शनल। आप रखना चाहो रख लो, नहीं रखना चाहो मत रखो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी ही है। तो ये देखो चल रहा है ये भी। अब मेन बात आई राउटिंग की, तो एक काम करते हैं, ब्लैंक से स्टार्ट होते हैं। अब देखो यार, चलो मैं क्या करता हूँ, होम के अंदर गया मैं पहले, और वहां पे तीन एंकर टैग बना दिए। ऐसे ही बनेंगे एंकर, कचरा इज इक्वल टू दिस दिस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने होम। राउटर राउट लिख रहा है इससे कॉन्टेक्ट, ऐसे या ओम के लिए स्लैश लगा दिया, स्लैश अबाउट लगा दिया, और स्लैश लगा दिया। टेक्स्ट तैयारी है, तो ये आपके जो लिख रहे हो अंदर, ये आपके राउट है जो आपने यहाँ पे बनाए, ये रे पाथ, और ये आपका टेक्स्ट है। चाहे कुछ भी लिख लो, चाहे मेरा नाम लिख लो, आपका नाम लिख लो, किसी का भी लिख लो, ये तो चलेगा फिर भी, क्योंकि इस पर राउट पे चल रहा है। तो अब एक काम करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास लिंक आ चुके हैं, होम अबाउट। देखो राउट भी मैच हो रहे हैं जो आप चाहते थे। होम के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो देखो मैं होम के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं अबाउट के ऊपर जा रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या आई, ये जो मेन्यू बार है, ये एंकर टैग जो भी है, ये तो मैंने सिर्फ होम के अंदर लगाया, तो होम के अंदर ही रहेगा, अबाउट के अंदर कैसे जाएगा। अब आप चाहते हो कि कुछ ऐसा कॉमन चीजें हैं जो आपको हर कंपोनेंट के अंदर दिखानी है, तो सभी कंपोनेंट में कॉमन क्या चल रहा है दिखाता है चीज। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ऐप नाम के फंक्शन के अंदर एक वैसे ही कंट्रोल लॉक कर दिया टेस्टिंग के लिए। ऐप वर्किंग ये लिख लिया, आप कुछ और लिखना चाहो लिख सकते हो।
एक तो यहाँ पे ऐप वर्किंग लिखा हुआ था या नहीं, अबाउट में हूँ मैं, देखो अबाउट में आया ऐप वर्किंग, सिमिलरली कॉन्टेक्ट किया जाते हैं। तो देखो ऐप वर्किंग यहाँ पे भी आ रहा है, और बच गया कौन सा होम वाला, चलो ब्लैंक पे भी चलते रहो, तो यहाँ पे भी ऐप वर्किंग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऐप नाम का कंपोनेंट है वो हर जगह लोड हो रहा है, क्यों ना हम सारी चीजें इसी के अंदर रख दें, जितने भी मेरे लिंक थे। कॉमन चीजों के लिए तो हमें कॉमन पैटर्न बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या किया ऐप के अंदर रख दी ये चीजें। अब रखने कहाँ पे है, राउटर से पहले रख के देखते क्या होता है, गड़बड़ आने स्टार्ट, गड़बड़ आने स्टार्ट क्यों, क्योंकि हमने फ्रेगमेंट हटा दिए। अब फ्रेगमेंट हटा दिए तो वो क्या बोलता है, फ्रेगमेंट के अंदर लिखो। तो मैं काम कर लेता हूँ, ब्लैंक फ्रेगमेंट फिर से बना देता हूँ, टेस्टिंग करते रहेंगे ऐसे। ये बना दिए फ्रेगमेंट, अब मैंने क्या किया राउटर से पहले फिर लिख लिया, फिर देखते हैं अब हर कंपोनेंट के अंदर आता है। अब एक चीज देखो, ये तो छोड़ दो इग्नोर करो एक बार, यार अगर कुछ नहीं है, अबाउट पे चलते हैं, कॉन्टेक्ट पे चलते हैं, मतलब सब चीजें हो रही हैं। अब एक चीज नोटिस करो, आप देख के बताओ क्या मेरा पेज रीलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। बताओ क्या सर ऊपर वो कर्सर तो घूम रहा है गोल गोल हेलो, टैब। हाँ जी कोई बोल रहा था तो आवाज नहीं आई यार। सर वो रीलोडिंग का साइन तो आ रहा है ऊपर जो वो टैब पे है जब आप क्लिक कर रहे हो। चलो जो भी बोल रहे यार, मैं बट सर मेरा वो पेज बोल रहे रीलोड हो वो, रहा है। हाँ सर वो भी यही बोल रहे कि वो पेज रिलोड हो रहा है। रीलोड हो रहा है, देख लो। अब यही काम हम रिएक्ट की साइट पर चल के चेक करते हैं क्या वहां पे रीलोड होता है। ये आ गई हमारे पास रिएक्ट की वेबसाइट। अब इसमें देखो मैं ट्यूटोरियल्स पर क्लिक करता हूँ, देखते होता है नहीं होता है। क्या रीलोड हुआ, चलो नहीं समझ आया तो फिर एक बार देखो। फिर ट्यूटोरियल पर जा रहा हूँ, ब्लॉग सर पर जा वो रहा हूँ, ये रिलोड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यार हमारे में तो रिलोड हो रहा है, हम तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो हम इस चीज को सॉल्व कैसे करें। अब आता है आपके सामने एक नई चीज, नई चीज क्या है, सबसे पहले तो यार देखो इसको राउटर से बाहर लिखो ही मत, फिर भी चलो हम लिख रहे हैं मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज लिख दो जिसका नाम है लिंक। अब आप एंकर टैग की जगह लिंक यूज करोगे रिएक्ट में, अगर आपको रिफ्रेश करवाना है तो ही एंकर टैग यूज करना, वरना लिंक होगा आपका यूज। मैंने क्या बोला, अभी रिप्लेस कर देता हूँ, जितने भी एंकर टैग क्लोज हो रहे हैं इसके साथ लिंक के साथ लिंक को भी क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली जहां जहां एंकर टैग स्टार्ट हो रहे हैं वहां वहां क्या कर दूंगा, लिंक टैग को स्टार्ट कर दूंगा। या लिंक, अब लिंक के अंदर कभी भी एचरेफ नहीं होता, इसके अंदर होता है टू, बस तो एंकर टैग की जगह आपको रिएक्ट में लिंक यूज करना और टू होता है यहाँ पर एचआरएफ की जगह। अब टेस्ट आउट करते हैं, आगे ना गड़बड़। वो कह रहा है कि जो आप लिंक यूज कर रहे हो और राउटर से बाहर कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, राउटर की चीजें सिर्फ राउटर के अंदर जो रिएक्ट राउटर डोम से आ रही है वो राउटर के अंदर ही कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। चाहे ऊपर लिख लो स्विच,
नीचे लिख लो, वो आपकी मर्जी एक बार के लिए, मैं अभी ऊपर रख लेता हूँ। अब टेस्ट आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, छोड़ दो, एरर भी क्लियर हो जाएंगे हमारे सब। ये हो गया क्लियर, सब कुछ नहीं है। देखो अब ध्यान से समझना, देखो क्या हो रहा है, मेरा रिफ्रेश, कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करो, जो भी आ रहा है बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये देखो, देख लो आपके सामने, यही तो होता है रिएक्ट राउटर, इसी चीज के लिए यूज किया हमने मेन, तो बाकी फिर हमने कंपोनेंट लोड करवा दिए उसी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, आया समझ सभी को राउटिंग? हाँ यस जी, बाकी सब यस सर। किसी का डाउट है राउटिंग में? सर एक बार वो डाउनलोड वाला प्रोसेस समझाना फिर। ठीक है यार, देखो रिएक्ट के लिए आपको क्या करना है, सब मतलब राउटिंग के लिए और किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ राउटिंग के लिए। आप अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लो, जहाँ पे भी आपने बना रखा है उसका सीएमडी ओपन कर लो। कर लिया मैंने सीएमडी ओपन। अब आपको क्या करना है, npm i get hyphen router hyphen dom, ये चीज करनी है और एंटर कर दो, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय चांस भूल गया कि आपको क्या लिखना था, तो गूगल पे जाओ और सर्च कर लो रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर डोम कर लो, तो अब यही साइट आएगी, और इसमें फर्स्ट साइट पे चले जाओ। अगर मान लो ऐसे नहीं आती आपके सामने, एक मिनट, कैसे आती है, एक मिनट, कुर, ऐसे, चलो मैं नॉर्मली खुद से लिख रहा हूँ, रिएक्ट राउटर डॉट कॉम, मान लो ये आई है, सर्चिंग पे डिपेंड होता है, तो इसलिए मेरे आगे ये आती हो, मेरे को ये खोलनी है, तो ये आ गई। अब आपके सामने ये साइट है रिएक्ट राउटर की। अब आपको क्या करना है यार, देखो किस चीज के लिए आप राउटिंग चाहते हो। मैं चाहता हूँ वेब के लिए, तो यहाँ पे देखो वेब पे क्लिक करो, अब ये आपको खोल के दे देगा। ये क्या बोल रहा है, देखो इस चीज को पढ़ो, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, हमारी एक एप्लीकेशन बनी हुई है, और दूसरा क्या कह रहा है, इंस्टॉल करना, यही तो चीज, यही हमने किया, अब हमारी एप्लीकेशन पहले ही बनी हुई थी। आया नहीं ऐसा मुझे हिमांशी? यस सर, सर ये रिएक्ट राउटर रीलोडिंग के लिए सिर्फ यूज होता है ये जो राउटिंग रिएक्ट। करने के लिए, ओके राउट चलो बनाने के लिए, क्योंकि रिएक्ट के अंदर एचटीएमएल तो होता नहीं है, मतलब मल्टीपेज तो होते नहीं है, कि जैसे हम एचटीएमएल के अंदर बनाते थे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल सेकंड डॉट एचटीएमएल, तो हम एंकर टैग के अंदर डाल देते थे और रिडायरेक्ट हो जाता था, बट यहाँ पे कोई वो चीज तो है नहीं, पेज तो एक ही है। ओके डन सर। देख लो कहीं पे भी किसी को भी कोई पेज दिख रहा हो, तो सिर्फ एक पब्लिक के अंदर जरूर है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और कहीं नहीं एच टी एम एल। इसलिए यार जो उसे दिया वो अपने अकॉर्डिंग ही फंक्शनलिटी आपको दी है, ये होती है हमारी राउटिंग। अब नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर बात करते हैं यार, एपीआई क्यों नहीं चल रही आज, मेन बात तो ये है ना, इसको क्या हो गया? एक मिनट यार, एपीआई को क्या हो गया, दोबारा में गड़बड़ तो नहीं है? चलनी तो चाहिए। चलो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ही इसको उठा लेते हैं। चल क्यों नहीं रही यार? ठीक है आगे चलो, देखो आ गई हमारे पास। अब मेरा नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, ये हेलो उठा देता हूँ सबसे पहले, तो हेलो नहीं चाहिए मेरे को, लिखा कहाँ पे हुआ हेलो 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 हेलो, ये रहा। थोड़ा सा अगर जूम है तो जूम आउट कर देता हूँ, वरना इनके टैग बदलने पड़ेंगे। एक काम कर लेते हैं, एक H1 के अंदर कर देते हैं इसको, सही हो जाएगा।
कर तो फिर टेस्ट आउट। ठीक है देखो आगे, अब सही है। H1 का यूज ना करके किसी और टाइप का कर लेते, छोटा कर लेते, थोड़ा छोटा करना है मेरे को, H5 कर लेते। हाँ जी सही है, परफेक्ट। अब मेरा सिनेरियो क्या है, जैसे आप जीमेल भी खोलते हैं तो कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिजाइन यही होता है, बस कुछ ऐसे ही होता है। चेक करवा देता हूँ क्या करना चाहता हूँ, ये बता देता हूँ। हाँ जी प्रॉपरली लोड होगी जीमेल। अब देखो जीमेल का राउट कॉपी कर रहा हूँ, इसके बाद इनबॉक्स हो जाएगा अपने आप ही, कुछ चेंज होगा ऐसे ही। अब जैसे हमारे वाले में वो टेस्ट आउट करवा रहे चीज, हमारा भी कुछ ऐसा ही राउट है, बस ये हमारा लोकल जो भी है 3000 जीमेल का ही है नॉर्मल। अब मैंने क्या किया, एक मेल खोल दी, तो देखते हैं इसको कॉपी करके क्या मिलता है मेरे को। देखो चेंज कहाँ पे मिला, सिर्फ ये आ गया एक्स्ट्रा। ऐसे मैं क्या करता हूँ, एक बार बैक करके इसको डिलीट कर देता। चलो इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। जी ओपन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ जीमेल के ऊपर, मतलब बैक कर लेता हूँ इससे, और कोई भी एक मेल खोल लेता हूँ, ये खोल दीजिए सपोज। और अब क्या किया, सिर्फ ये एंडिंग वाला कॉपी किया और इसको डाल दूंगा, तो देखना क्या चीज़ होती है। ये पेस्ट कर दिया और एंटर किया। एक्चुअली में देखा जाए तो यही तो चीज है जो डाटा लेके आ रही है, जो इसका या राउट कह लो या यूआरएल कह लो, जो भी कहो इस चीज को, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ रही है मेरी मेल। इन चीजों को हम बोलते हैं डायनामिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग। आया समझ क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे डायनामिक राउट है। अगर ये चीज है तो हमें डाटा मिल जाएगा, अगर नहीं है तो इसको करके देखता हूँ मेल निकलती है नहीं निकलती। देखो टेस्ट के अंदर है, द मैसेज हैज बीन डिलीटेड। मान लो मैं खुद से कुछ भी डाल रहा हूँ, रैंडमली डाल रहा हूँ, तो देखते जीमेल क्या करता है। जीमेल ने क्या कर दिया, वापस अपनी जगह पे फेंक दिया, या डिफॉल्ट राउट पे जाओ, फिर गलत को अलाउ नहीं कर रहा, सही को सही है। तो यहाँ पे तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अभी अगर हमने लोड कराया तो यूजर्स मिल गए, अब जैसे ही मैं फर्स्ट वाले यूजर के ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी आईडी मेरे को उस पेज के ऊपर मिल जाए, मतलब एक लिंक बना लूंगा या उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट की मिल जाए, सेकंड के ऊपर करूंगा सेकंड की। तो चलो करते हैं इस चीज़ को। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, सबसे पहले जहाँ जहाँ जो चीज़ यूज करोगे इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, इम्पोर्ट कहाँ से, रिएक्ट राउटर। क्या नाम, लिंक, क्योंकि नेविगेशन करनी ना, हमें पाथ तो हमारे बने हुए हैं, लिंक निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, कहीं पे किसी के बीच में कहीं भी मैं आईडी नहीं दिखा रहा हूँ, एक लिंक बना रहा हूँ। और लिंक के अंदर मैं कह देता हूँ व्यू, रीडायरेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। अब इसके अंदर क्या किया मैंने, टू डाला। अब टू के अंदर आपको कहाँ रिडायरेक्ट होना हो तो बताना पड़ेगा उसको,
उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ सेपरेट, जिसका नाम होगा यूजर्स। यूजर कर लेते हैं, यूजर्स तो प्लूरल हो जाएगा, सिंगल निकालना है यूजर। और इसके ऊपर मेरे को ये चीज डिस्प्ले करनी। सजेशन एक फंक्शनल कंपोनेंट, अरे तो इनको बना लेते नॉर्मली। मेरे को इसके ऊपर दिखाना है जो भी वहां से आए, तो सबसे पहले तो इसकी एक राउटिंग बनानी पड़ेगी आपको। बिना राउटिंग के आप नहीं लेके आ सकते। H1 के अंदर मैं लिख लिया वेलकम यूजर, इससे मुझे पता लग जाए यूजर के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐप के अंदर चलते हैं, तो चलो एक पाथ बना देते हैं इसका भी। प्लीज यूजर, राउट भी क्या होगा मेरा यूजर, एक बार टेस्ट आउट कर लेते पहले। ओके टू ब्लैंक, एक मिनट होम के अंदर चलता हूँ वापस। सो टू ब्लैंक इसलिए गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रिंग के अंदर स्लैश यूजर देते हैं। ठीक है, मैं कह रहा आपके अंदर स्लैश यूजर है ना। ठीक है, वो रिफ्रेश कर देता हूँ इसको फिर से। एपीआई नहीं चल रही, अरे इस एपीआई में गड़बड़ क्या हो रखी है आज, या नेट स्लो है मेरा एपीआई के कारण। एक मिनट, ये तो कॉल नहीं रखा इसलिए वो फर्स्ट टाइम में मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं चलेगा। कभी कभी चल जाता, तो इसलिए आ गया रीडायरेक्ट, हटा देते हैं। रीडायरेक्ट पे क्लिक किया तो देखो मैं यूजर पे आ। अब मुझे करना क्या है, जैसे ये यूजर वन के ऊपर क्लिक किया है तो यूजर वन आ जाए, टू पे क्लिक करूँ टू आ जाए। इसी चीज को डायनामिक बोलते हैं। कंपोनेंट सेम लोड हो रहा है बट कंटेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा डाटा, तो ये निकालना है मेरे को। तो सबसे पहले मेरे को इसका राउट अच्छे से बनाना होगा। तो फिर से मैं चलता हूँ ऐप के अंदर, और वहां पे आप उसके स्लैश के बाद भेज रहे हो, ध्यान रखना। तो मैं इसके स्लैश के बाद भेज रहा हूँ, क्या भेज रहे हो, मैं आईडी भेज रहा हूँ, तो कोलन आईडी लिख दी मैंने। जो चीज़ आप भेज रहे हो लिख दो, कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि यही लिखो। मैंने लिख दिया मेरा नाम कि मैं उमेश भेज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस होम पे गया और यहां पे जाके अब इसके बाद स्लैश और क्या भेजा इसकी, हाँ ई डॉट आई डी। चलो पहले एक बार देखते हैं, होम पे चलते हैं वापस। ये देखो एंडिंग में नीचे देखो यहाँ पे यूआरएल आ रहा है, 10 वाले के आगे 10 आ रहा है, 9 वाले के आगे 9, 8, 7, जिसके ऊपर भी जाओगे ये कर दिया क्लिक। तो देखो मेरा यहाँ पे 6 मिल गया। चलो मेरा ये काम डन है। अगर आप कोई और चीज़ से भेजना चाहते हो तो ये रही एपीआई साइड में खोल रखी है मैंने, चेक कर लो। मान लो आप यूजर नेम के हिसाब से भेजना चाहते हो तो यूजर नेम लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड होता है जिस चीज़ के भी आप भेजना चाहते हो, यूजर नेम के भी आप भेज के देख सकते हैं। बस मेरे को तो डाटा निकालना है कि वो यूआरएल के अंदर आया क्या। देखो ब्रेट आ गया, जिस चीज के भी आप पे, बाकी आप रीड कर लोगे आगे। लेकिन हमेशा आईडी के भी आप पे भेज दो, क्योंकि यार वो यूनिक भी रहेगी और उसी के भी आप पे आपको अलग अलग डाटा भी मिलते हैं। चलो मैं आईडी के भी आप पे कर लेता हूँ। मेरे को ये वन पकड़ना है, टू पकड़ना है, जो भी यहाँ पे है ये चीज पकड़नी है बस। तो उस चीज के लिए कौन सा कंपोनेंट लोड है मेरा, यूजर वाला। तो मैं यूजर के अंदर गया और यहां पे एक और चीज इंपोर्ट कर, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर सबसे पहले लोकेशन लिख दो, सजेशन आ जाएंगे, रिएक्ट हाइफन राउटर डोम और यूज परम्स, यूज परम्स। अब इसके अंदर क्या किया मैंने, फंक्शन के अंदर गया,
कॉस्ट और हम ले लिया इज इक्वल टू पुश और यूजर नहीं सॉरी यूज तो जो ऊपर वाला ये जो लिखा टेस्ट आउट करते क्या होता है अरे कंसोल तो करवाया नहीं मिलेगा क्या फ्रॉम अब ये देखो क्या मिला है उमेश के अंदर वन चलो वापिस चलते हैं थ्री वाले पे क्लिक करके देखते हैं क्या उमेश के अंदर थ्री मिलता है फोर पे कर लो जिस पे करना कर लो देखो डायनामिक चीज मिल रही है मेरे को तो ये चीज ऐसे होती है अब उमेश कहाँ से आ रही है ये उमेश कोई बता सकता है हाँ जी बताओ यार कोई अरे अभी तो आपके सामने किया है सब कुछ सर ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें से आ रहे क्या नहीं यार ये तो ये रहा राउट ऐप के अंदर जाओ देखो ये तो लिखा हुआ उमेश यहाँ से आ रहा है ये यहाँ पे जो चीज लिखोगे उसी की के अंदर आएंगी चीजें अगर आप यहाँ पे आईडी लिखते हो तो वहां पे ये चीजें आईडी के अंदर मिलेगी आपको देख आईडी निकल गई मेरे पास तो मैंने क्या किया चलो तो डिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं हम सब चीजों की मतलब परम्स ना करके इसकी डिस्ट्रक्शन कर देता हूँ आईडी जो मैं वहां से भेज रहा हूँ अब मेरे पास डायरेक्टली 4 5 आ जाएंगे और मैंने क्या किया इसी आईडी को प्रिंट करवा दिया देखते 4 आता है 5 आता है क्या आता है ये कुछ भी नहीं आता देखो 4 आ गया आप चेंज कर देते हो कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ तो देखते यही चीज आती है या नहीं आती ये देखो ऐसे ही तो जीमेल पे हो रहा था सेम चीज ये तो आपका फिक्स राउट है यूजर तक तो अब उसके बाद चेंज हो रहा है ना जो हो रहा है और उसे अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है देख लो मेरा भी यहाँ पे वही हो रहा है अब मैंने क्या किया मेरे को एपीआई का डाटा निकालना है सिर्फ यूजर का वन का बस ये लास्ट है तो होम के ऊपर मैंने एपीआई फैच करवा रखी मैंने क्या किया पूरा एडिटेड कॉपी कर लिया जो भी एपीआई वाला पार्ट था बस यूजर के अंदर गया यहाँ पे कर दिया पेस्ट अब मेरे को क्या करना है यहां पे यही चीज कंकेटिनेट करनी है आईडी क्योंकि इससे क्या होगा दिखाता हूं अगर आप इस एपीआई को चलाओगे तो आपके पास पूरा डाटा मिलेगा जितना भी इस एपीआई के अंदर हो जाएगा क्या होगा ये देखो सारा डाटा आ गया मेरे पास अब मैंने क्या किया इसके बाद स्लैश वन कर दिया तो देखो सिर्फ मेरे को फर्स्ट वाले यूजर का मिला मीन्स आईडी के भी आप पे चल रही है तो सिमिलरली मैंने क्या किया यहाँ पे वन आएगा तो वन मिल जाएगा टू आएगा टू मिल जाएगा और इसी चीज को कंसोल करवा लिया आप चेक करते हैं गलत तो किया ही हमने देखो खुद कह रहा है अच्छा यूज स्टेट है चलो यूज स्टेट वगैरह नहीं आए हुए यूज स्टेट और यूज इफेक्ट जो चीजें यूज करे वो टेस्ट आउट कर लो है या नहीं है अब देखो मेरे पास एरर आ गया ना वेल एपीआई का कि एपीआई गलत है देखो अब मैंने यहाँ पे वन कर दिया तो देखते वन यूजर वाला डाटा आता है नहीं आता ये देखो एपीआई का डाटा आ गया अब इसको प्रिंट करवा लेना आपकी मर्जी जैसे भी प्रिंट करवाना चाहो जिस भी सीक्वेंस में जहाँ पे भी अब मेरे को बस नेम प्रिंट करवाना है तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से मैं नेम करवा रहा हूँ आप सब चीज़ें करवा लेना और यही होती है डायनामिक राउटिंग यहाँ पे गया मैं इसके अंदर है डाटा एपीआई डाटा के अंदर एपीआई डाटा
वन पे लीन ग्राम नहीं ना, देखो आ गया, वेलकम टू वगैरह हटा देता हूँ, वेलकम लीन ग्राम कर देता हूँ। बस चल गया हमारा सब कुछ, वेलकम लीन ग्राम, होम पे गया, एरविन, इसका नाम एरविन होवेल है, देखो वेलकम एरविन होवेल, वापिस कर लेते हैं, इसके ऊपर चलते निकोलस के ऊपर, देखो आया समझ कैसे आप डायनामिक राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो। यार देखो तो लास्ट